मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आशीष पेटवाल। आज हम बात करेंगे लोकसहायक की जो वैकेंसी आई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023 के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, भी क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 85 पोस्ट हैं, 63 इनमें आदिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विकास विभाग में हैं, और 22 जो पोस्ट हैं वो कर और राजस्व निरीक्षक की है, वो भी शहरी विकास विभाग में। क्वालिफिकेशन इसके लिए है हमारी है बैचलर डिग्री चाहिए, और एज है 21 से लेकर 42 जनरल कैंडिडेट के लिए। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसका है, टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें दो पेपर होंगे, पेपर वन जो है वो सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, दो घंटे का है। फिर दूसरा पेपर वो है जनरल स्टडीज़, जिसको हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इसके भी 200 क्वेश्चन होंगे और ये 3 घंटे का होगा। टोटल 300 मार्क्स का होगा ये पेपर। इसके जरा हम सिलेबस के बारे में ज़रा देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले हमारा जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है, उसमें क्या क्या आ रहे हैं, टोटल 100 मार्क्स का है। पहला है वर्ण विचार आ रहा है, स्वर एवं व्यंजन, स्वर व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण अनुसरण, ये सब आएगा 15 मार्क्स का। फिर हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, ये 10 मार्क्स का आएगा। फिर हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये 10 मार्क्स का आएगा। फिर हिंदी शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये 10 मार्क्स का आएगा। फिर हिंदी शब्द रचना 3, ये अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, ये सब आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है ना, मतलब पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द जो होता है वो 5 मार्क्स का आ गया। अशुद्धि, शुद्ध लेखन, अशुद्धि वाक्य, अशुद्धि शोधन, ये सब आएगा हमारे 10 मार्क्स का। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे आएंगे, ये भी आएंगे हमारे 10 मार्क्स के। विराम चिन्ह, ये आएगा 5 मार्क्स का। व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब 15 मार्क्स के आएंगे। अब जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारा ये टोटल 200 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चंस आएंगे हमारे। 20 मार्क्स का हमारा जो है वो है करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस। इसमें क्या होगा, पूरा जो हमारा इंडिया में जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली लाइक जो नेशनल हमारे नेशनल न्यूज़ है, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंस लाइक कोलिशन गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो हमारे 1992 में हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस क्या होते हैं, आप जैसे कि आप अपना इंडिया का ही लगा लो 1992 का, ठीक है ना, फिर अपना 2008 में जो हमारा सब प्राइम क्राइसिस हुआ है इसके बारे में, रीजनलिज्म जो क्षेत्रवाद होता है, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, सेपरेटिज्म मूवमेंट जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, ठीक है ना, नक्सलिज्म हमारा जो बराबर नक्सल बेल्ट है, रेड कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, मोइज्म, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, कॉमनल हारमोनी एंड इंटरनेशनल परस्पेक्टिव लाइक न्यूक्लियर पॉलिसीज, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस, ये सब हमारा ऐसा ही सिलेबस लगभग हमारा उससे मिलता जुलता सिलेबस हमारा क्या था, लोअर पीसीएस के मेंस में भी था। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हमारा 10 मार्क्स का आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, अवार्डर्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड उत्तराखंड विल बी आस्क्ड, ठीक है, इसमें दोनों तरह के खिलाड़ी पूछ सकते हैं हम, इंडिया के खिलाड़ी भी और वर्ल्ड के खिलाड़ी भी, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ इंडिया की भी जो और वर्ल्ड की जो रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर जो उत्तराखंड की पर्सनैलिटी जो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है ना, पूरा हम एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक की सारी हमारी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे हम, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो पूरे हमारा 1950 तक की जो पूरी हिस्ट्री है वो सब इम्पोर्टेंट है। जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारे संविधान है उसका एक सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए, इसमें आप लगा लीजिए जो एक एजुकेटेड आदमी को पता होना चाहिए, एक सामान्य आदमी को जानकारी होनी चाहिए उसमें, हम राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विस, राइट टू एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डिफरेंट एक्ट्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स पास्ड बाय द फॉर द वीकर एंड माइनॉरिटी सेक्शन, जो हमारे गरीब और जो वंचित तबका है उसके लिए जो सरकारों ने कानून बनाए, जो
अध्यादेश या कानून पास किए हैं उसके बारे में हम पूछेंगे। डिफरेंट नेशनल स्टेट कमीशन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है, जो हमारा वीकर सेक्शन है उसके लिए जो अलग अलग कमीशन बैठे हैं, जैसे हमारा सपोज करो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज है, ये सब कमीशन स्टेट कमीशन भी होते हैं इसके रेस्पेक्टिव में स्टेट्स में, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हमारे क्वेश्चन विल कवर द इंडियन पॉलिटी, पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारे इसमें नगर निगम भी आएगा, नगर निगम वाले क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र और नगर निगम होता है उनके बारे में हम जानकारी होनी चाहिए। ब्रॉड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जो मोटा मोटा आपको पता होना जानकारी होनी चाहिए। प्लानिंग के बारे में, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स जो अब तो बोल के टर्मिनेट कर दिए हैं, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में, ठीक है, उसके बारे में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है, सर्विस सेक्टर, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी, इट इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिकल इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आपको एक एक भारत की जो एक भूगर्भ पूरे जो भूगोल है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जनरल साइंस एनवायरमेंट में, क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस एनवायरमेंट विल कवर द जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट। ज़्यादातर हमें साइंटिस्ट वाली बात नहीं है, हमें एप्लीकेशन ऑफ साइंस, भाई साइंस का इस्तेमाल कहाँ कैसे कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। मैटर ऑफ डे टू डे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, जो हम देख तो ऑब्जर्व करते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन को जो स्पेशल नॉलेज, मतलब स्पेशल आपको आप साइंस से पढ़े लिखे होने जरूरी नहीं है, साइंस पढ़ी होनी जरूरी नहीं है, आप अगर आर्ट साइंस के स्टूडेंट हो, पर बेसिक साइंस तो हम 10th तक सब हर कोई पढ़ता है, उतनी साइंस हमें पता नहीं चाहिए उसमें। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर, डिजीज ऑफ कैटल बर्ड्स प्लांट्स एंड देयर प्रिजर्वेशन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, क्वेश्चन कवर द जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रॉप्स, एक जो हमारे फसलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्हाइट येलो रिवोल्यूशन, जो हमारे हरित क्रांति हुई जिससे हमने प्रोडक्शन बढ़ाई है, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ाई है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है अपनी क्रॉप्स की भी, और जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं इन सब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इकोनॉमी, भाई एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है रूरल इकोनॉमी, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कि भाई इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द कैंडिडेट अवेयरनेस और डेवलपमेंट द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसके बारे में, स्पेस साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आ जाते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक, उत्तराखंड स्पेसिफिक में आता है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड का इतिहास, अब उनमें एंशियंट से लेकर मिडिवल, ठीक है ना, और जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है हमारी उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड का सामाजिक राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो बैकग्राउंड है, भाई किस तरीके से हमारा राज्य बना, किस तरीके से, ठीक है, क्या इतिहास रहा है, राजाओं के टाइम पे क्या रहा है, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें हम इलेक्टेड गवर्नमेंट इन उत्तराखंड एंड देयर पॉलिसीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट सर्विसेज इन द स्टेट, राज्य में अलग अलग जो सेवाएँ हैं, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात पता होनी चाहिए। पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना, किस तरीके से सामाजिक जो विकास की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, किस तरीके से कोऑपरेटिव जो हमारा सहकारी संस्था है वो किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड, इसमें आप लैंड मैनेजमेंट सिस्टम अंडर गोरखा ब्रिटिश रूल, लैंड मैनेजमेंट और थोकदारी, वन पंचायत, सिविल स्वयं, केसरे हिंद, बेनाब, नजूल लैंड, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। मॉडर्न पीरियड में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना, उत्तराखंड में जो भू कानून की जो आजकल एक करंट इशू है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि भाई पुराने पुराने टाइम पे किस तरीके से हम भू राजस्व किस तरह इकट्ठा किया जाता था, थोकदारी सिस्टम क्या होती है, वन पंचायत सिस्टम क्या होता है, चेंजेस इन लैंड टेन्योर एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ जमदाली एवोल्यूशन एक्ट, रेवेन्यू पुलिस जो उत्तराखंड में एक स्पेशल फीचर है, उत्तराखंड की लॉ एंड ऑर्डर का स्पेशल फीचर है रेवेन्यू पुलिस, ठीक है, राजस्व पुलिस जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि राजस्व जो पटवारी जो हैं वो दोनों काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का काम भी करते हैं और रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करते हैं।
और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में, इंडो तिब्बतियन ट्रेड के बारे में हमको बताना चाहिए कि भाई हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो चाइना से लगते हैं उनसे हम इंडो, वो इंडो तिब्बतियन ट्रेड होता था 1962 से पहले होता, अभी भी अब तो बंदी हो गया, 1962 से पहले बहुत ज़्यादा होता था इंडो तिब्बतियन ट्रेड। ठीक है, लोकल एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात जानकारी होनी चाहिए आपको, अनइकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है ना, हमारे पहाड़ों में जैसे कि भाई लैंड होल्डिंग, लैंड लैंड का बंटवारा किस किस तरीके से है हो रखा है, देखो क्योंकि हमारे क्या लैंड कंसोलिडेशन नहीं है तो उसके कारण हमारे क्या हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते, नीड फॉर कंसोलिडेशन जिसको हम चकबंदी बोलते हैं आप हिंदी में, बेघार और देवार एग्रीकल्चर देवार सिस्टम के बारे में बात होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मानव संसाधन, इकोनॉमिक सिस्टम और स्टेट एंड इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर जो हमारे उत्तराखंड राज्य के जो इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फॉरेस्ट के बारे में, देखो आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो आपको जंगल जंगल के बारे में, जंगल नदियाँ पर्वत पहाड़ यही हमारे उत्तराखंड की मेन रिसोर्सेज है, ठीक है ना, तो फॉरेस्ट जंगलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वाटर के बारे में हमारा वाटर की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है पर्निनियर रिवर्स, गंगा यमुना हमारे नदियाँ हैं, हब्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एनिमल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, प्रेजेंट लोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरियस स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द उत्तराखंड फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, भाई गरीबी उन्मूलन के लिए जो जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार के लिए, बेरोजगारी से स्वरोजगार के लिए जो सरकार ने स्कीम चलाई है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक समाज जो हमारा आर्थिक विकास के लिए जो योजना चलाई गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द स्टेट जीडीपी, भाई अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड की जीडीपी में आपको जानकारी होनी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, टर्सरी सेक्टर का क्या है, ये सब आपको मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए, प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन उत्तराखंड एंड न्यू स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग एंड प्रॉब्लम्स, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी सरकार अपना रही है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना, मार्केटिंग फैसिलिटी इन उत्तराखंड एग्रीकल्चर मंडीज, ठीक है, जिसमें हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ई नाम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में साइलेंट फीचर ऑफ द बजट ऑफ उत्तराखंड, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ डायग्राम के बारे में आपको एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, ये भी आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन स्टैटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंड डायग्राफिकल फॉर्म एंड टू इंटरप्रिटेड दैम, ये सब आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए तब जाके आपका ये जो जनरल स्टडीज़ कवर होगा, ठीक है ना, तो इसके बारे में हमें इस सिलेबस को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, खासकर जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को, क्योंकि लोअर पीसीएस का सिलेबस भी लगभग यही था, तो मैं इसको आराम से आपको धीरे धीरे करके ये सब कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।